नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। बिहार के लिए अच्छी खबर, जमीन की मापी में अब नहीं होगी एक इंच की भी गड़बड़ी, नीतीश सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। बिहार में बम्पर बहाली, 46,000 प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की होगी डायरेक्ट भर्ती, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। बिहार के सदर हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर की गई नौकरी, नीतीश सरकार ने किया बर्खास्त। बिहार के ब्राह्मणों ने कहा हमें भी आरक्षण दो, गरीबी के कारण जीना मुश्किल है। मौसम के बदलते मिजाज से बच्चे हो रहे हैं वायरल इन्फेक्शन के शिकार, NMCH में एक बेड पर दो बच्चों का हो रहा है इलाज। सर्वर बिजली कंपनी का खराब हुआ लेकिन खामियाजा उपभोक्ता भुगतेंगे, अलर्ट हो जाइए वरना आज से कट जाएगी बिजली। आगे जानिए क्या है पूरा मामला। बिहार में निकाय कर्मियों की हड़ताल आज से, 12 सूत्री मांगों को लेकर 30,000 कर्मियों ने किया स्ट्राइक। बिहार के 4 जिलों में कोरोना के 6 नए मरीज मिले, समस्तीपुर में सबसे अधिक मरीज मिले। RK सिन्हा व ऋतुराज के सौजन्य से बख्तियारपुर के बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन का हुआ वितरण। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। मंगलवार शाम को 4 देशरत्न स्थित संवाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बिहार में अब जमीन की मापी में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, नीतीश सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। बिहार में अब डिजिटल मशीन से जमीन की मापी कराई जाएगी। बिहार में जमीन की मापी ETS डिजिटल मशीन से कराई जाएगी। इसके लिए नीतीश सरकार 42,46,00,000 की ETS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन खरीदने जा रही है। गौरतलब हो कि बिहार में लगातार जमीन विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सैकड़ों समस्याएं सामने आई है। बताया जा रहा है कि सरकार जो नया वाला ETS मशीन खरीदने जा रही है इसमें कोई विवाद ही नहीं होगा। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मापन प्रक्रिया में आमीन मशीन को किनारे पर खड़ा कर मापी किए जाने वाले खेत के किनारे पर प्रिज्म रख देंगे। इसके बाद बटन दबाते ही मशीन से किरणें निकलेंगी और प्रिज्म से प्रिज्म की दूरी रिकॉर्ड कर लेगी। इसमें GPS का भी उपयोग मापी के लिए किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस माध्यम से एक साथ 50 प्लॉट की मापी की जा सकती है। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मुख्य सचिवालय में चल रहे नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में सरकार ने बिहार के लगभग 46,000 स्कूलों में प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की बहाली की स्वीकृति दी है। अब जल्द ही नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मंगलवार शाम को 4 देशरत्न स्थित संवाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बिहार के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 हेडमास्टरों की BPSC से सीधी नियुक्ति होगी। इनमें 40,518 पद प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की, जबकि 5,334 प्रधानाध्यापक के पद उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के होंगे। मंगलवार शाम को 4 देशरत्न स्थित संवाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। शेखपुरा के सदर हॉस्पिटल में तैनात चिकित्सीय पदाधिकारी डॉक्टर अंजनी कुमारी की नौकरी चली गई है, इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में बर्खास्तगी पर मुहर लग गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अंजनी कुमारी 14 अक्टूबर 2011 से ही बिना बताए गायब है। इसके अलावा इस बैठक में सरकार ने बिहार के लगभग 46,000 स्कूलों में प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की बहाली की स्वीकृति दी है। अब जल्द ही नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बिहार के ब्राह्मणों ने सरकार से आरक्षण मांगा है। ब्राह्मणों का एक प्रतिनिधि मंडल बीते मंगलवार को DC तारकिशोर प्रसाद से मिला। DC से कहा है कि गरीबी के कारण बिहार में ब्राह्मण जाति की 3/4 लोगों का जीना मुश्किल है, उन्हें आरक्षण दीजिए वरना जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल देश के कुछ और राज्यों के ब्राह्मण आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मांग उठी, गुजरात और महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने भी आरक्षण मांगा है। अब बिहार के ब्राह्मणों ने मुहिम शुरू की है। बिहार के ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को सूबे के DC तारकिशोर प्रसाद से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि जाति के आधार पर उन्हें आरक्षण से अलग रखा गया है, लेकिन उन्हें भी जीने का अधिकार है, लिहाजा जिंदा रहने का बंदोबस्त सरकार करे। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि उनकी जाति की कई उपजातियां ऐसी है जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है,
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि गरीबी के कारण आचार्य ब्राह्मण, भट्ट ब्राह्मण, महापात्र ब्राह्मण की स्थिति हद से ज़्यादा खराब है। हालात यह है कि बिहार के 70% ब्राह्मणों बेहद गरीब है। मौसम की मिजाज में लगातार बदलाव हो रहा है, कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वातावरण में नमी बनी रहती है। मौसम में हो रहे इसी परिवर्तन के चलते लोग, खासकर छोटे बच्चे, बीमार पड़ रहे हैं। मौसम परिवर्तन के कारण बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन के कारण ज्यादातर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल NMCH में बीमार बच्चों की संख्या बढ़ने से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। NMCH में लगातार आ रहे बीमार के कारण अस्पताल में बेड की कमी दिख रही है। NMCH में बच्चा वार्ड, नीकू पीकू और जनरल वार्ड मिलाकर कुल 84 बेड है, लेकिन अचानक मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण बच्चा वार्ड में कुल 87 बच्चे एडमिट हैं, जिसके कारण एक बेड पर दो दो बच्चों को रखा जा रहा है। अस्पताल की स्थिति को देख बच्चों के परिजन भी परेशान है। उनका कहना है कि एक बेड पर दो बच्चों का इलाज करने से बच्चों में अन्य बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। अभी तो NMCH में बेड की कमी हो रही है, ऐसे में आने वाले कोरोना की तीसरी लहर में बीमार बच्चों का क्या होगा। बिहार में बिजली कंपनी के सर्वर में आई खराबी का खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा। बिजली कंपनी का सर्वर पिछले दिनों खराब हो गया था, जिसकी वजह से उपभोक्ता ना तो बिजली का बिल जमा कर पाए और ना ही उन्हें करंट बिल मिल पाया। लेकिन अब त्योहारों को ठीक पहले बिजली कंपनी के फरमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सर्वर में आई खराबी ठीक करने के बाद बिजली कंपनी अब उपभोक्ताओं को एक साथ दो महीने का बिल थमा रही है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि अगर जल्दी बिजली का बिल जमा नहीं किया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। खास तौर पर ऐसे बिजली उपभोक्ता जो प्रीपेड मीटर के सहारे बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अलर्ट हो जाने की जरूरत है। सर्वर में आई खराबी के कारण प्रीपेड यूजर्स की बिजली बिना रिचार्ज के चल रही थी। रिचार्ज नहीं करने वाले पटना शहर के 20 डिवीजन में लगभग 24,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं की बिजली आज यानी कि बुधवार से कट जाएगी। अगर समय रहते रिचार्ज नहीं किया गया तो ऑटोमेटिक मोड में उनकी बिजली गुल हो जाएगी। बिजली कंपनी से मिले आंकड़ों के मुताबिक पटना न्यू कैपिटल डिवीजन के 712, पटना सिटी के 532, आसियाना नगर में 2,936, कंकड़बाग में 2,595, पाटलिपुत्र में 2,389, रामकृष्णा नगर में 2,219, दानापुर में 2,213 उपभोक्ताओं की बिजली गुल हो सकती है। बिहार में पंचायत चुनाव के बीच सरकार के सामने अब हड़ताल का संकट पैदा हो गया है। बिहार में निकाय कर्मियों की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघ मोर्चा और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के ऐलान पर आज से राज्य के सभी नगर निकाय में कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के साथ वार्ता विफल होने के बाद से हड़ताल पर जाना तय हो गया था। बिहार में कोरोना के 6 मामले सामने आए हैं। 4 जिलों में कोरोना के नए मरीज मिले हैं। समस्तीपुर में सबसे अधिक 3 मरीज, जबकि पटना, बेगूसराय और वैशाली में 1-1 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 34 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के आधार पर यह आंकड़े हैं। पिछले 24 घंटे में 130,342 सैंपल की कोरोना जांच हुई। इस दौरान 15 संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए, जबकि 1 संक्रमित की मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.66% दर्ज की गई है। वर्तमान में राज्य में कोरोना के 54 सक्रिय मरीज इलाजरत हैं। कोरोना की पहली व दूसरी लहर के दौरान अब तक 7,25,759 संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि इनमें से अब तक 7,16,048 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक 9,656 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ ने इस बार भी तबाही मचाई है। पिछले दिनों गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से बख्तियारपुर में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। गंगा नदी का जलस्तर कम होने से धीरे धीरे पानी घटने लगा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। बख्तियारपुर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यसभा के सदस्य RK सिन्हा एवं बीजेपी के युवा नेता ऋतुराज किशोर सिन्हा सामने आए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यसभा के सदस्य RK सिन्हा व बीजेपी के युवा नेता ऋतुराज किशोर सिन्हा के सौजन्य से बख्तियारपुर विधानसभा के दियारा रूपस महाजी चिरैया रूपस में बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यसभा के सदस्य आरके सिन्हा व बीजेपी के युवा नेता ऋतुराज किशोर सिन्हा का कहना है कि जिस तरह से कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद की गई, उसी तरह बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है। बिहार में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय है, इस वजह से कई इलाकों में बारिश हो सकती है। नेपाल में शुक्रवार को भारी बारिश होने के कारण बिहार में जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। उधर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि पटना के विभिन्न इलाकों में अगले 2 से 3 घंटे में वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। नेपाल के पोखरा में शुक्रवार को भारी बारिश होने के कारण बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। पोखरा इलाके में शुक्रवार को 280 mm मूसलाधार बारिश हुई है, इससे गंडक का पानी बिहार में एक बार फिर से की आशंका है। इसीलिए जल संसाधन विभाग ने बिहार के मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों को अधिक सावधानी बरतने और तटबंधों पर निगरानी रखने को आदेश दिया है। नेपाल से पानी गंडक नदी में आने की आशंका है, लेकिन बिहार सरकार ने एहतियातन बागमती नदी और कोसी नदी से जुड़े जिलों को भी सतर्क कर दिया है। गौरतलब हो कि इस नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में भी वर्षा काफी हुई है। इन जिलों के डीएम को भी विभाग ने संदेश दिया है, साथ ही अपने इंजीनियरों को कहा है कि वह 24 घंटे जलस्तर पर निगरानी रखे और तटबंधों पर पेट्रोलिंग करते रहे। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।